नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज में हूँ आपके साथ कंजू सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। कुरवई नगर में विकास यात्रा निकाली, विधायक सप्रे को भारी जन समर्थन देखने में आया है कि कई ग्रामों में विकास यात्रा के माध्यम से विधायक सप्रे को भारी जन समर्थन मिल रहा है। विधायक सप्रे ने मंच के माध्यम से कहा, हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के लोगों को जन्म से लेकर विद्युत का पैसा दे रहे हैं। ऐसी योजनाएं जो कांग्रेस ने 70 साल में न दी, जो कि हमारे प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 4 साल के विकास कार्य को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें सरकार के विकास कार्यों एवं योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। 5 फरवरी से राज्य भर में विकास यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इसमें पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि विभिन्न विकास यात्रा का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह सप्री की नेतृत्व में विकास यात्रा संपूर्ण विधानसभा में निकलेगी जा रही है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा के शासन काल में विकास रथ का पहिया दोगुनी रफ्तार से घुमा रहा है। समस्त जनहितेशी योजनाएं सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांव गांव तक सड़कें बनाकर विकास का अप्रतिम उदाहरण स्थापित किया है। क्षेत्र में लगातार आध्यात्मिक आयोजन होते रहे हैं। बेटी बेटियों का करते हैं सदैव सहयोग। हाल ही में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बड़ा विवाह सम्मेलन आयोजित कर बेटियों का कन्यादान किया गया। जनहितेशी योजनाओं की पूरी विधानसभा में एक अभियान चलाया गया, हर समस्या का हल आपके घर, जहां सभी प्रतिनिधि एवं अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर समस्या सुनकर उसका निवारण किया। कुरवई विधानसभा क्षेत्र में गरीबी रेखा के कूपन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास, खाद्य सामग्री जैसे अन्य योजनाओं का लाभ अंतिम स्तर तक पहुँचा है। कुरवई से अशरफ खान की रिपोर्ट। भारत को टूट को असरा उन्होंने जो नहीं माना, मोदी जी प्रधानमंत्री सीधे योजियो उन्होंने जो नहीं माना, कहा टूट रहा हो भारत भाई। अच्छा ये कहा मतलब कही कथन भारत के मंच से राजनीति पार्टी आकार धोखे से जीवन प्रदेश हो तो फेरो ना हो तो 5 करोड़ सुच जाते क्योंकि बेटा मानत नहीं तो मम्मी जानत नहीं है हर जाते 5 करोड़ सुनते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में रात रात भर जगा जग कर जो जनता की सेवा की है अद्भुत अकल्पनीय सेवा। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सेवा कांग्रेस से दुख ही थी कि भारत जोड़ो कह रहे हैं कि हटे क्यों बात हमें जब कह रहे पीक पर सोच कितने दे दी लिखाया का भी पेपर में तुम भी तो थे, सब सेवा कर रहे थे ना। तो आज आप आज एक बात सिद्ध कर दी है आप लोगों ने, विकास यात्रा का नगर का जो भ्रमण हुआ है और मैं क्षेत्र में जा रहे हूँ गाँव गाँव, आपने ये सिद्ध कर दिया है कि शिवराज जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और आदरणीय मोदी जी 3वीं बार प्रधानमंत्री बने, कोई माई का लाभ नहीं जोड़ सकता। ये आप लोगों ने सिद्ध कर दिया है। अब विकास की बात तो बहुत दूर है मगर विकास हमें भी होगा, वो भी बोला जा रहा है मगर हम नहीं बोल रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कहेंगे शिवराज जी मुख्यमंत्री बनो तुमको 5वीं बार लगा रहे थे नारो, कौन सा नारो लगा रहे थे 5वीं बार को मुख्यमंत्री को कौन सा लगा रहे बोलो। हाँ भाई क्या मध्य प्रदेश की यही पुकार, मध्य प्रदेश की यही पुकार, मध्य प्रदेश की यही पुकार। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 योजना लॉन्च की है, अभी नई नई 3 तारीख को विदिशा में उन्होंने कहा लाडली भेना, ये
सबसे बड़े ठेकेदार आदमी शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने आज पड़ो जनता को पैदा हो गई से मर्जी तक को एक घर बता दो। इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, एक मध्य प्रदेश का घर बता दो माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याण योजना का लाभ ना देगा। एक घर बताओ 1100 पाओ में 1100 कर, एक घर चाहे वो दो पति हो, चाहे माध्यम वर्ग हो, चाहे गरीब तबका हो, किसी ना किसी रूप में फिर तक आकर्षक रूप में माननीय मुख्यमंत्री की योजना का लाभ मिला। आप कल्पना तो करो, बेटा बेटी कमरे हो रहे हैं, रंगवा खो रहे, शिवराज जी वो 16,000 और दे रहे हैं। आप गूगल निकाल लो, गूगल खोल लो, कन्याजी के समय योजना चल रही है, पढ़ते को दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, लाली लक्ष्मी अम्बानी मुख्यमंत्री लाली लक्ष्मी तू 12वीं के पास पढ़ेगी तो क्या, तो उसको 25,000 रुपया साल माननीय मुख्यमंत्री जी भरेंगे। में ग्राम नहीं है अब्बा सरु रोड में जो नहीं तो रोडों का पूरे मध्य प्रदेश में जाल बिछा है। तुम लोग बैठे हो बासुदा वाले विधानसभा के बांधे गांव वाले कागज सी पहले 2000 उज्ज्वला योजना के पास चाय बना ली, वो दोपहर में भोजन फ्री में प्रधानमंत्री खुआई रहे, वो घर फ्री में दे तो खाली भैया के अगर 25,000 दे दो घर बनवा देते उधार नहीं किए, लाखों करोड़ों घर बनवा दे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये काम तो 50 साल पहले हो जाते, कांग्रेस काटे से वोट मांग कर नेपाल लिखो साथी फिर मत समझ तुझे भाई काटे से मांग कर तुझे धंधा और फांस हो क्या हो रहा है, लेने एक न देने